हाय गुरु, क्या बोलता है? बस बढ़िया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल और ह्यूज सैल्यूट टू आवर सोल्जर्स एंड ऑल डिफेंस सर्विसेज। तो आज हम लोग जा रहे हैं तुंगारेश्वर ट्रेक, और यहाँ पे आने के लिए आपको दो रास्ते हैं। एक तो आप रोडवे से आ सकते हैं, जो कि वसई रोड जाने के लिए, वसई रोड स्टेशन जाने के लिए जो भी लेफ्ट टर्न आता है, उसके बाद आपको राइट लेना पड़ेगा सातिवली विलेज से। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो वसई रोड स्टेशन उतर के आपको सातिवली के लिए बस पकड़ना पड़ेगा। वहाँ से कुछ 40 मिनट्स का वॉक है जो आपको बेस तक लेके आता है। ये एक वन डे ट्रैक है और बेस्ट टाइम टू डू दिस ट्रैक इन मानसून, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा ग्रीनरी रहता है और बहुत सारा ब्यूटीफुल सीन्स देखने मिलेंगे आपको। ये कुछ शायद 4-5 आवर्स लगता है टोटल ऊपर जाने तक। बीच में एक शिव का मंदिर आता है, जो मंदिर पे आप थोड़ा टाइम रुक के फ्रेश होके अपना आगे का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। चलो फिर चलते हैं अभी। Attraction of this place is one Shiva temple and one waterfall. One or two, three waterfalls are there, but the main waterfall is the only one. So वहाँ पर थोड़ा सा रिस्की है, तो बहुत सारे छोटे waterfalls हैं वहाँ पर। आप अगर बच्चे वगैरह उनको लेके आ रहे हो तो वहाँ पर आप जा सकते हो। अभी हम लोग हमारा पहला स्पॉट पे आए, पहला हॉल्ट यू कैन से, जो कि है शिव मंदिर। जय भोले, जय भोले। कैसा फील हो रहा है भाई? अभी तक तो 1/4 भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी फील गए? अभी तो मज़ा आ रहा है एकदम, बारिश थोड़ा थोड़ा हो गया है तो अभी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे है वो शिव मंदिर, चलो। क्या बोलेंगे अभी पब्लिक को? ये सेंचुरी है और यहाँ पे लोग ऐसे कचरा फैला रहे। शिट, एज अवर रूट इज फुल्ली कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट, हम लोग को बहुत कम जगह पे ऐसे व्यूज देखने मिल रहे हैं। और वीडियो लोग एंजॉयिंग द व्यू? हाँ, झरने का आवाज इधर तक आता हुआ। पानी ख़त्म हो गया है तो बेयर ग्रिल बाबा को याद करके हम लोग यहाँ से पानी भरेंगे।
पानी पी के देखते हैं कैसा है। बहुत स्वीट है, ले भाई ट्राई कर लो, मस्त पानी। हाउ इज इट? पानी एक्चुअली पूरा फिल्टर होके आ रहा है, तो बेयर ग्रिल बाबा ने कहा है कि फिल्टर हुआ, बहता हुआ पानी जो फिल्टर होके आ रहा है ज़मीन से, तो वो बहुत शुद्ध रहता है पीने के लिए। कैसा है? एकदम मीठा। तो ये है रास्ता आश्रम जाने का। आश्रम के अंदर फोटोग्राफी करने के लिए अलाउड नहीं था, तो हम लोग कैमरा नहीं ले जा सके। चलो हो गया दर्शन, अभी हम लोग रिटर्न जर्नी पे चले जाते हैं। चलो आज का दिन ख़त्म हुआ, बहुत अच्छा मज़ा आया, अच्छा एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे किसी भी एज ग्रुप के बंदे आ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सीधा चलना ही है, नथिंग एल्स। यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट पार्ट्स नहीं है, नथिंग, कुछ भी ऐसा रिस्की स्पॉट्स नहीं है कि जहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। इट्स जस्ट अ सिंपल वॉक, हाइकिंग सेशन यू कैन से। गुड बाय दोस्तों, मिलेंगे अगले टाइम किसी दूसरे जगह पे, दूसरे या फिर खाने का हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, मिलते हैं वहाँ पे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट ऑन द बिलो कि आपको ये कैसा लगा, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।